जरूरी नहीं है वो जितने भी टैलेंट शोज हैं, सो कॉल्ड टैलेंट शोज जहाँ पे सिंगिंग को जज किया जाता है, वहाँ पे क्या सिंगिंग के बेस पे आगे बढ़ते हैं या और भी बहुत कुछ चाहिए होता है? एक कहानी नहीं चाहिए होती है, किसी दुखियारे की कहानी कि ऐसी जगह से आया है जहाँ पर चारों तरफ मौत ही मौत थी और वहां से भी वो जिंदा बाहर निकल करके आया है। गाना गुना क्या है वो तो सेकेंडरी है, एक है पैशन एक है प्रोफेशन। तो भी चैलेंज क्या है कि अपने पैशन को प्रोफेशन कैसे बनाया जाए, अपने पैशन को डिस्कवर कैसे किया जाए, अपने टैलेंट को डिस्कवर कैसे किया जाए। हमने ज्यादा कुछ किया ही नहीं है हमारी लाइफ में, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब ध्यान से समझना, ये जो फंडा है ना, ये जो हम सब लोगों के दिमाग में घुसा पड़ा है कि हमारे अंदर सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, ऐसा सबके अंदर दिमाग में घुसा हुआ है नहीं घुसा हुआ है? कि सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, उस टैलेंट को डिस्कवर करना है, उसको डिस्कवर कर लिया उसके बाद में तो लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी, जो सक्सेसफुल हुए उन्होंने भी यही किया। ये सब बकवास है। जैसे आपका एक टैलेंट हो सकता है कि हाँ मैं अपने मुंह से आग निकाल सकता हूँ, तो निकालते रहो कोई बात नहीं, उससे क्या होगा, बहुत ऐसे निकालने वाले। तो टैलेंट से कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक कमाल का क्रिकेटर बनना है, एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बनना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? टैलेंट चाहिए। और टैलेंट मतलब क्या? या बॉल को सही से हिट करना आना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा बैट्समैन बनना है तो क्या चाहिए वहां पर? टैलेंट चाहिए, प्रैक्टिस से। तो क्या ये टैलेंट है या स्किल है जिसको डेवलप किया जाता है? तो पहले इस वर्ड को ठीक करो अपनी डिक्शनरी में। टैलेंट कुछ नहीं होता है ना, टैलेंट जब होता ही नहीं है तो उसको पहचानेंगे क्या? तो आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गई यहां से, कि अब अपने टैलेंट वैलेंट में दिमाग लगाना ही नहीं है। किस में दिमाग लगाना है? इंटरेस्ट में। और अगर किसी काम में आपका इंटरेस्ट होता है तो उसका क्या बेनिफिट है? फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्रिकेटर बनना है बहुत बड़ा, और आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो उससे क्या फायदा हो रहा है? क्या आप सीधा टीम में आ जाओगे, नेशनल टीम में आ जाओगे? नहीं आओगे। उससे क्या फायदा होगा? लेकिन एग्जैक्टली इंटरेस्ट से क्या एक बेनिफिट आपको मिलता है? सिर्फ एक बेनिफिट मिलता है। सबसे पहला जो स्टेप है ना वो है इंटरेस्ट, कि अगर उसमें आपका इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स में आपका इंटरेस्ट है, तो एथिकल हैकिंग नाम की एक चीज होती है, उसके लिए जो स्किल सीखनी पड़ेगी उसको सीखने में आपको मजा आएगा। अब स्किल कैसे डेवलप होती है? वन इज प्रैक्टिस, बट प्रैक्टिस मस्ट बी इन द राइट डायरेक्शन। नाउ व्हाट इज राइट डायरेक्शन? ये कैसे पता लगेगा? इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली, किसने बोला ये? हाँ बिल्कुल सही बात, उसको आप इंफॉर्मेशन कहो या नॉलेज कहो, नॉलेज फ्रॉम द राइट सोर्स। तभी तो एक कोच की जरूरत होती है। कोच का मतलब क्या? कि वो बंदा एक्सपीरियंस्ड है, उसने या तो और लोगों को सक्सेसफुल बनाया है या वो खुद सक्सेसफुल था और अब आपको कोचिंग दे रहा है। इसी का तो मतलब है, और क्या है? तो वहां पर क्या चाहिए हमको? नॉलेज चाहिए फ्रॉम द राइट सोर्स। नॉलेज भी कहां से चाहिए? वो बंदा जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। अब अपने इंटरेस्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर, इंटरेस्ट बनता कैसे है? इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने से पहले तो यह समझना पड़ेगा व्हाट इज इंटरेस्ट। क्या किसी भी ऐसी फील्ड में आपको इंटरेस्ट आ सकता है जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है? प्रॉब्लम समझ आई? कि जब तक हमको किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो इंटरेस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। तो क्या आपको सब कुछ पता है इस दुनिया में, क्या क्या हो रहा है, कहां कहां पर हो रहा है, क्या क्या हो सकता है, लोग क्या क्या कर रहे हैं, किस किस तरह से कर रहे हैं? डू यू नो दैट? अंदर कितना कुछ पड़ा है? थोड़ा बहुत ही पड़ा है, सब कुछ थोड़ी पड़ा है। जैसा आपका फैमिली बैकग्राउंड है, जैसा आपने बचपन से आज तक देखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, जिस तरह की नॉलेज अंदर पड़ी हुई है, उसी से रिलेटेड तो इंटरेस्ट आ सकता है। कोई बहुत ही कमाल की फील्ड है जहां पर आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन उसके बारे में आपको नहीं पता है, क्या उसमें इंटरेस्ट आ सकता है? तो अब क्या चाहिए अपने इंटरेस्ट को डिस्कवर करने के पहले? नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। बिना एडिशनल नॉलेज और एडिशनल इंफॉर्मेशन के क्वेश्चनिंग करोगे तो बार बार वही निकल करके आएगा जो अंदर पड़ा होगा। तो अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है वहां पे आपने क्वेश्चन पूछा अपने आप से कि इसमें से क्या है ऐसा जिसमें मुझे इंटरेस्ट भी आ रहा है, प्लस मैं इसको अपना प्रोफेशन भी बना सकता हूं। बहुत बढ़िया है अगर वहां से आंसर आ जाए तो, नंबर वन। नंबर टू, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपने अपने आपसे क्वेश्चन पूछा, अच्छा मेरा क्या इंटरेस्ट है, बट आपको कुछ भी उसमें से प्रैक्टिकल नजर नहीं आ रहा, अब क्या करें? नई इंफॉर्मेशन गैदर करो। सिंपल है ना यार, इंफॉर्मेशन एज में हम बैठे हैं। देखो दुनिया में लोग क्या क्या कर रहे हैं, देखो किस किस तरह की फील्ड्स हैं। लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, तो ऑब्जर्व करो ऐसे ऐसे लोगों को जो एक्चुअल में कुछ बड़ा कर रहे हैं।
ऐसे कितने लोग हैं दुनिया में, कितनी सक्सेस स्टोरीज होंगी इस दुनिया में, लाखों हैं, अगर पास्ट को भी इंक्लूड कर दो तो करोड़ों हैं। तो अगर उन लोगों के बारे में आप पढ़ने लग जाओ, उन लोगों को सुनने लग जाओ, तो दिमाग खुलेगा नहीं खुलेगा।